हाय गाइस, वेलकम टू द नेचुरल एंगल। मैं नाम सिद्धेश और आज मैं हूँ पंगोट में। एक्चुअली मैं नैनीताल आया था एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंटीरियर फोटोग्राफी के, तो मैं पंगोट भी आया। और यहाँ पे आने का मेरा पर्पस कोई मेन बर्डिंग नहीं है, बस मेरे को दो स्पीशीज़ कैप्चर करनी है, उनमें से है कोकलास एंड चीर फिसेंट। अभी बाकी और कुछ मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन मेरे को चाहिए कोकलास और चीर फिसेंट। वो देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स फाइंड। सो आई वोक अप एट अराउंड 4 o'clock। थोड़ा प्रॉपर्टी शूट का काम पेंडिंग था, वो कंप्लीट किया, इसलिए मेरे को लग रहा था कि चीर फिजेंट के लिए जब तक पहुंचेंगे तब तक लेट हो चुका होगा। और वही हुआ, चीर पॉइंट पे तो पहुंचे लेकिन चीर फिजेंट नहीं मिला, बट दैट्स फाइन। सो व्हाइल सर्चिंग फॉर द कोकलास फिजेंट, एक उसका पॉइंट ही विनायक के पास भी है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर वो मिलता है तो। विनायक और उसके आसपास का जो एरिया है वो बर्डिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें कोलटेट मिला, यूरेशियन जे, ब्लैक हेडेड जे, देन निल्टावा मिला, देन और भी काफ़ी बर्ड्स मिले। कुछ फ़ोटोज़ मैंने एडिट की हैं, बाकी आई विल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। उसके अलावा एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि बार्किंग डियर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलार्म कॉल चल रही थी, एंड जो मेरे साथ गाइड भैया थे ही वाज सेइंग कि लेपर्ड भी आसपास ही है, और हो सकता है क्योंकि जो उसकी कॉल थी बार्किंग डियर की वो लाउड से एकदम स्लो हो गई थी धीरे धीरे, फिर बंद हो गई थी। तो उनका ये भी कहना था कि हो सकता है लेपर्ड ने यहाँ पे हंट कर लिया हो, हमें देख नहीं रहा। व्हेन इट वाज अराउंड 7:30 और 8 AM, लग रहा था कि अब कोकलास का टाइम भी जा चुका है और मेरे को भी वापस जाना था नैनीताल, बिकॉज मुझे बस भी फिर बोर्ड करनी थी वापस दिल्ली आने के लिए। ऑल ऑफ अ सडन मैं और सिर्फ बाइक वाले भैया ही थे वहाँ पे, और तो कोई था नहीं। सो वी सॉ दिस, फाइनली वी गॉट द कोकलास फिजेंट जिसके लिए पूरा ट्रिप था। सीइंग कोकलास इतनी पास से इज लाइक अ ड्रीम, इतनी जल्दी इतने पास से मिलता नहीं है। हमें खलीज वगैरह भी मिले, चीर नहीं मिला, कोकलास ने बहुत अच्छे शॉट्स दिए, बहुत अच्छा टाइम हमें दिया। ये बार बार ऊपर आ रहा था, कॉल्स वगैरह भी कर रहा था, एंड देन ही वाज इन हिज ओन वर्ल्ड, इन हिज ओन हैबिटेट, को डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। सो जब आप पंगोट से वापस नैनीताल जा रहे हो तो एक ये नया बनाया इन्होंने मैंने देवी जलकुंड, इसमें भी एंट्री फीस लगा दी है, जो कि है एडल्ट्स की है 50 रुपये एंड फॉरनर्स की है 100 रुपीज़। बाकी नीचे देखते हैं कुछ है तो। इसको ओपन हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ टाइम ही हुआ है, इसका फर्स्ट सीज़न ही है। यहाँ पे इन्होंने बर्ड्स के स्टैचूज़ वगैरह काफ़ी बनाए हुए हैं, एंड या असली बर्ड्स भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पे नैना देवी जलकुंड का ये बनाया हुआ है, एंड नीचे भी एक और छोटा सा जलकुंड है ये सामने जो है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये है टोटल, एंड आई थिंक कि जैसे आप अगर नैनीताल रुक रहे हो या सातताल रुक रहे हो, भीमताल रुक रहे हो, कहीं रुक रहे हो, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ है। एंड फॉर अ चेंज दिस प्लेस आई वुड नॉट रिकमेंड कि यहाँ पे आप आओ, 50 रुपये की एंट्री फी दो पर पर्सन, एंड देन फिर इतना कुछ है नहीं यहाँ पे, मेरे को इतना वर्थ नहीं लगा टू बी वेरी फ्रेंक। सो यू कैन ईजिली अवॉइड कमिंग हियर। मैं आया सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट दिस प्लेस बिफोर कमिंग। बाकी दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज पंगो ट्रिप, क्या क्या मिला क्या नहीं मिला यू हैव ऑलरेडी सीन। बाकी 7 साल की बर्डिंग से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है देन जस्ट click on the right side and stay tuned.